الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد हाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करूँगा जिसकी तौफीक व इनायत से मुझे इस किताब के दरसे को डालने की तौफीक मिली। अल्लाह तबारक तआला का इस इनायत पे बेपायां शुक्र है। फिर इस दरसे का एहतमाम करने वाले मुंतदिमीन का शुक्रगुजार हूँगा, इसलिए कि हदीस नबवी के मुताबिक जो शख्स से लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्रिया अदा नहीं करता। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस किताब की तदरीस के लिए चुना और उसके बाद उनके मामिनीन का शुक्रगुजार हूँ जो इस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और उनके ताउन के ज़रिए से तदरीस का ये मरहला इंशाअल्लाह अंजाम तक पहुँचे। हाज़रीन किराम, किसी भी किताब की तदरीस को जब चुना जाता है तो जाहिर सी बात है उस किताब की इफादियत को देखा जाता है। अगर वो किताब मुफीद है तो इंशाअल्लाह वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी और उससे लोग मुस्तफीद होंगे। किताब की अहमियत का अंदाज़ा दो चीज़ों से होता है, एक तो उस किताब के मुअल्लिफ। अगर उस किताब के मुअल्लिफ को हम देखते हैं और मुअल्लिफ बाइल्म शख्सियत है, उसके अंदर इल्म का समंदर है, तो जाहिर सी बात है जो किताब उसने तहरीर की है, जो किताब उसने तसनीफ की है, वो अपने इल्म के समंदर का एक हिस्सा है। या फिर उस किताब के अंदर जो बातें नकल की गई हैं वो बातें इस कदर अहमियत की हामिल होंगी कि वो किताब की इफादियत को बढ़ा देती हैं। जिस किताब का दर्स आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा वो इंतहाई मशहूर किताब है जिसका नाम बुलूगुल मराम है। ये किताब इंतहाई मुफीद है और ये किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे मुश्तमिल है और इस किताब को जिस अंदाज में तरतीब दिया गया है वो एक अलग अंदाज और एक अलग दर्स है। इस किताब की अहमियत और इफादियत पे बाद में नजर डाला जाएगा, लेकिन ये बयान करना मकसूद है कि ये किताब इंतहाई अहम है। अगरचे हम इसके मुअल्लिफ पे नज़र ना डालें तब भी इस किताब की अहमियत कम नहीं होती और जब इस किताब के मुअल्लिफ पे नज़र डाली जाती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किताब कितनी अहम होगी और ये किताब कितनी मुफीद होगी। आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिए अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का और उनकी तसनीफ करदा किताब फतहुल बारी का। फतहुल बारी जिससे कोई भी शख्स से मुस्तगनी नहीं हो सकता। अगर हदीस के बारे में उसे इल्म हासिल करना है, हदीस की मालूमात हासिल करनी है तो फतहुल बारी से मुस्तगनी हो सकता। अगर मुस्तलह की मालूमात हासिल करनी है, हदीस के फ़ुनून को देखना है, तो ऐसी सूरत में फतहुल बारी से मुस्तगनी नहीं हो सकता। अगर हदीस के मानी को देखना है, उसके कलिमात के शुरुआत पर नज़र डालनी है, तो ऐसी सूरत में फतहुल बारी से मुस्तगनी नहीं हो सकता। अगर वो ये चाहता है कि हदीस के अंदर क्या फ़िक्र है, उससे कौन से मसाइल मुस्तंबत होते हैं, अगर उससे देखना है तो भी वो फतहुल बारी की जानिब रुजू करे। किसी भी सूरत में हदीस से मुताल्लिक किसी भी इल्म को हासिल करने वाला फतहुल बारी से मुस्तगनी नहीं हो सकता और यही वो किताब है जिसे अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह की जानिब मंसूब की जाती है, उनकी ये तसनीफ है
और यह तसनीफ ही उनकी अहमियत और उनके इल्म को बयान करने के लिए काफ़ी है। जो शख्स इतनी बड़ी किताब तसनीफ कर सकता है और अपनी किताब में इतने सारे उलूम को डाल सकता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अपनी दूसरी किताबों में कितने उलूम को डालता होगा। ये मुख्तसर सी किताब है जो हम पढ़ रहे हैं या जिसे हम पढ़ेंगे, जिसका दर्स आप सुनेंगे, ये एक मुख्तसर सी किताब है। और इस किताब के अंदर अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अहादीस को जिक्र किया है। इस हदीस की, इस किताब की अहमियत, उसके मनहज को बाद में बयान किया जाएगा। और किसी भी किताब की तदरीस से पहले उसके मुसन्निफ के हालात को, उसके सवाने को हल्का सा जानना ज़रूरी है। इसलिए कि जब हम मुसन्निफ के इल्म का अंदाज़ा करेंगे, उसके हालात को पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में हमें मालूम होगा कि इस किताब की अहमियत क्या है। किसी भी शख्स के हालात को जब जाना जाता है या उसको पढ़ा जाता है, या किसी भी सवाने या सफ़रनामा को हम जब पढ़ते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि उसकी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, किस तरीके से उसने इल्म हासिल किया, किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया और किस तरीके से उसने अपनी मेहनत सर्फ की, उन सारी मेहनतों को देखकर अपने अंदर हौसला पैदा करना और उस जैसे तरीके पे चलना। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के चंद हालात आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे, उनकी सवान उम्री के चंद किस्से आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का नसब और उनकी पैदाइश के ताल्लुक से मुख्तलिफ किताबें लिखी गई हैं। उनकी सवान उम्री पे उनके शागिर्द अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ने एक पूरी किताब लिखी है। इसके अलावा भी उनके तराजिम दूसरी किताबों के अंदर मिलते हैं और बतफसीर उनके तराजिम लिखे गए हैं। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का जो नाम था वो शिहाबुद्दीन अबुल फजल अहमद इब्न अली इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न महमूद इब्न अहमद इब्न हजर अलकिनानी अलअस्क़लानी अश्शाफ़ई अलमिस्री अलकाहिरी। यहाँ पे आपने अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अली बिन महमूद बिन अहमद बिन हजर, ये अल्लामा इब्न हजर का पूरा नसब है। इनके चौथे दादा के नाम के बारे में इख्तिलाफ है। कभी बाज़ मुअर्रिखीन महमूद बतलाते हैं, बाज़ अहमद बतलाते हैं, और अहमद का नाम चौथे दादा जो अहमद हैं, इनका नाम जो है वह अहमद यही राजे है। और अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने ख़ुद अपनी सवाने उम्री खुद लिखी है और उसके अंदर अपने दादा का नाम उन्होंने अहमद बतलाया है। इस नसब नामे को अगर हम उल्टा पढ़ते हैं, सिर्फ हजर को छोड़ देते हैं तो और महमूद को निकाल देते हैं, तो अगर हम उल्टा पढ़ते हैं तब भी अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का नसब जिक्र होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद, इसको हम उल्टा पढ़ रहे हैं तब भी अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का नसब ऐसे ही होता है। सिर्फ महमूद को दरमियान से आप निकाल दीजिए और जो आखिरी नाम है हजर उसको निकाल दीजिए, तो आप उल्टे ही पढ़ सकते हैं और सीधे ही पढ़ सकते हैं। यानी अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद, ये आपने सीधे पढ़ा, उल्टे ही पढ़ेंगे तो अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद, दोनों तरीके से इसे पढ़ा जा सकता है। और अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस चीज़ को जिक्र भी किया है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का जो लक़ब था वो शिहाबुद्दीन, अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का जो ज़माना था उस ज़माने के अंदर अक्सर उलमाए कराम के लक़ब पाए जाते थे। किसी को ज़ैनुद्दीन, किसी को शहाबुद्दीन, किसी को ज़कीउद्दीन, इस तरीके से मुख्तलिफ लक़ब पाए जाते थे। तो अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का जो लक़ब था वो शहाबुद्दीन था और उनकी कुन्नियत अबुल फ़ज़्ल थी। लेकिन उनकी कई कुन्नियत थी, ये कुन्नियत जो अबुल फ़ज़्ल है ये उनके वालिद ने खुद रखी थी जबकि वो बचपने में थे, बचपन में थे शादी से पहले ही उनकी कुन्नियत अबुल फ़ज़्ल रखी गई थी। और अल्लामा इराक़ी और अलाउद्दीन हल्ली रहमहुल्लाह ने उनकी कुन्नियत अबुल अब्बास बयान की है और बाद उलमाए किराम ने उनकी कुन्नियत अबू जाफर बयान की है। लेकिन उनकी जो पहली कुन्नियत है वो अबुल फ़ज़्ल, यही उनके वालिद की दी हुई कुन्नियत है और यही कुन्नियत मौजूद और मारूफ है।
इनके नसब के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनका ताल्लुक में हम कहते हैं किनानी और अस्करानी, दो चीज़ें हम जिक्र करते हैं, अल किनानी वल अस्करानी। किनानी ये नस्बत है, किनाना एक कबीला है जिसकी जानिब किनानी की नस्बत की गई है। और अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैंने अपने वालिद के तहरीर में ये चीज़ पाई कि ये किनानियों नस्ब थे और उनकी असल अस्करान थी। अल अस्करानी के नाम से मशहूर है, जब भी आप मुख्तलिफ किताबों के अंदर देखेंगे तो इब्न हजर अल अस्करानी कहा जाता है। ये अस्करान ये शाम यानी फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर का नाम है। और ऐसा जाहिर होता है कि किनानी जो नसब है यानी किनाना के अफराद अस्करान मुंतकिल हो गए थे और फिर वो इसी मकाम पर रहे यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह ने उनसे उन्हें इससे मकाम से मुंतकिल कर दिया था। यहाँ पे जो चीज़ मशहूर है इनके लक़ब के ताल्लुक से वो या इनके नाम के ताल्लुक से वो इब्न हजर। हजर कौन थे इस बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि हजर ये लक़ब था, बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि हजर ये नाम था। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हजर ये उनके बाज दादा का नाम था, बाज दादा का लक़ब था। और बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि ये अहमद जिनके जो मशहूर हैं इनके दादा में उनका लक़ब था। बरकर इसके अंदर इख्तलाफ है और इख्तलाफ में राजी यही है कि ये उनके अहमद के जो वालिद हैं उनका नाम था और ये नाम के एतबार से हजर रखा गया है, लक़ब नहीं था। इनकी पैदाइश सन 773 में हुई और इनकी पैदाइश का जो मकाम था वो मिस्र में था और नील के किनारे। इनकी पैदाइश के तारीख के बारे में उलमा इकराम के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि इनकी पैदाइश 12 शाबान को हुई थी और बाज़ उलमा इकराम ये जिक्र करते हैं कि इनकी पैदाइश 13 शाबान को हुई थी। और बाज़ उलमा इकराम जिनमें अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह भी हैं वो ये कहते हैं कि इनकी पैदाइश 23 शाबान को हुई थी। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह ने जब अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह की समाने हयात को जिक्र किया है तो उन्होंने 2 शाबान जिक्र किया है, लेकिन ये चीज़ से बाइद नज़र आती है और जो इनके शागिर्दों ने लिखी है वो चीज़ ज़्यादा करीब नज़र आती है, इसलिए कि अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह का समाना बहुत मुतअख़्खिर था और अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के शागिर्द थे। किसी भी आलिम की समायान हयात में सबसे अहम चीज़ उसकी तरबियत का होता है कि किस तरीके से उसकी तरबियत हुई, किस ख़ानदान में उसकी तरबियत हुई। ख़ानदान पे अगर नज़र डालेंगे उनके आबा अजदाद पे, उनके चचा वगैरह पे, तो इस सूरत में मालूम हो जाएगा कि उस शख्स की का खानवादा कैसा था और उस खानवादे का कैसा असर था उसकी तरबियत पे। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह की तरबियत उनके खानवादे में हुई, लेकिन अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह यतीम रहे और इसकी वजह यह क्या थी कि उनके वालिद का इंतकाल रजब सन 777 में हो गया, जबकि उनकी पैदाइश जो जिक्र की जाती है वो 12 शाबान या 13 शाबान या 23 शाबान 773 में, यानी जब उनकी उम्र 4 साल की थी तो उस वक्त उनका इंतकाल हो गया, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। और इससे पहले जब वो इससे कम उम्र थे उसी वक्त उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे छोड़ दिया यानी मुझे छोड़ कर चले गए और मेरी उम्र 4 साल मुकम्मल नहीं हुई थी और मुझे अपने वालिद का ख्याल आता है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से उनकी बातों को, उनकी शक्ल को और उनके अवसाफ को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात याद है कि मेरे वालिद ने मेरा नाम अहमद रखा और मेरी कुनियत अबुल फ़ज़्ल है, ये उन्होंने बयान किया। यानी उन्होंने ये कहा था कि मेरे वालिद ने कहा कि मेरे बेटे का नाम अहमद है और उसकी कुनियत अबुल फ़ज़्ल है।
ظاہر سی بات ہے جب یہ دونوں انتقال کر گئے تو اس کے بعد کفالت کی ذمہ داری کسی سونپی جاتی. کفالت کے لیے ان کے والد نے دو شخصیت کا نام لیا. ایک شخصیت زکی الدین ابو بکر بن نور الدین علی الخروبی تھی جو کہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا, بلکہ وہ سارے تاجروں کے رئیس تھے یعنی ہیڈ تھے. اور دوسری شخصیت جن کی وصیت کی گئی, ان کے والد نے وصیت کی تھی, وہ علامہ شمس الدین ابن القطان تھے جن کا ان کے والد سے خاص تعلق تھا. لیکن پہلے شخص نے ان کی تربیت کا خاص خیال رکھا جبکہ علامہ شمس الدین ابن القطان کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ خود ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے میری تربیت کا خاص خیال نہیں رکھا. اور اس خاص خیال میں کیا تھا, چونکہ یہ علامہ تھے عالم تھے اس لیے ان کے اوپر جو ذمہ داری بنتی تھی وہ یہ کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی دینی تربیت کرتے اور انہیں مدارس کی جانب یا مکتب کی جانب روانہ کرتے اور انہیں کتابیں یاد کراتے اور ان کے تدریس ان کے درس کا اہتمام کرتے, ان کے پڑھنے کا اہتمام کرتے. لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا خاص تعلق میرے والد سے تھا اور میرے والد نے ان کو وصیت کی, لیکن ان کا جو تصرف تھا وہ بہتر اور محمود نہیں تھا. اور وہ کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو علماء کرام کے پاس بھیج دیتے تھے, لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کو جو ہے پڑھنے کے لیے علماء کرام کے پاس نہیں بھیجتے تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو بچپنا گزرا وہ انتہائی پاکیزہ رہا, انتہائی بہتر رہا. اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی اچھی تربیت زکی الدین ابی بکر بن نور الدین علی الخروبی نے اچھے انداز میں کی اور ان کی برابر تربیت کرتے رہے, یہاں تک کہ خروبی کا انتقال سن 787 میں ہو گیا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ مکتب میں کب داخل ہوئے؟ آج ہمارے یہاں کے جی اور ایل کے جی کا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن علماء کرام کی اگر سوانح کو پڑھیں, اور یہ چیز سے ہمارے ایک شیخ نے بھی ذکر کی کہ بچوں کو بہت چھوٹی سی عمر سے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہیے, بچوں کو پڑھنے کے لیے بہت چھوٹی عمر سے نہیں بھیجنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. خاص فائدہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ 4 سال کی عمر میں بچے کو سکھاتے ہیں وہ بچہ 7 سال یا 6 سال کی عمر میں باتیں خود بہت سیکھ جائے گا. اور 4 سال کی عمر یا 5 سال کی عمر بچے کی ایسی نہیں ہوتی کہ اسے کوئی ذمہ داری دی جائے. اگر وہ مثال کے طور پہ چند رنگوں کو جاننا سیکھ جاتا ہے, پہچاننا سیکھ جاتا ہے, یا چند باتیں اچھی طریقے سے بولنا جان جاتا ہے, تو وہ 2 سال کے بعد بھی وہ باتیں اچھی طریقے سے بولنا سیکھ جائے گا اور بغیر کسی محنت کے سیکھ جائے گا. یعنی گھر کے اندر ہی آپ کے بلانے سے, آپ کے کہنے سے, آپ کے بتلانے سے وہ چیزیں سیکھ جائے گا. اس لیے بہت خاص اہتمام جو ہمارے یہاں ایل کے جی یا کے جی کا کیا جاتا ہے, یہ پچھلے زمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا تھا, اور اس کا کوئی خاص علمی فائدہ اس بچے پہ مترتب نہیں ہوتا. جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے یا جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ بچوں کو چھوٹے سے دعائیں یاد کرائیں, قرآن کریم کی آیات کو یاد کرائیں, اور قرآن کریم کی آیات کو پہچاننا سکھائیں. اس لیے کہ جتنے بچپن سے بچہ ان چیزوں کو سیکھے گا, یاد کرے گا, اس کا ذہن اتنا ہی تیز ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوتی ہے کہ بچہ جس قدر قرآن کریم کو یاد کرتا ہے اس کا ذہن اتنا ہی تیز ہوتا ہے, جس قدر وہ دعاؤں کو یاد کرتا ہے اس کا ذہن اتنا ہی تیز ہوتا ہے, اور جس قدر وہ دنیاوی امور کو سیکھتا ہے, دنیاوی چیزوں کو سیکھتا ہے, اس کا ذہن اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے. بچہ تیز نہیں ہوتا, چیزوں کو پہچانتا ہے, لیکن حفظ کرنے کی جو قدرت پائی جاتی ہے وہ دعاؤں کو حفظ کرنے سے یا قرآن کریم کے حفظ کرنے سے یا اس کی آیات کو حفظ کرنے سے ملتی ہے. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جب مکتب میں داخل ہوئے تو ان کی عمر 5 سال کی تھی, اور یہ عمر انتہائی مناسب ہے بچوں کی تعلیم کے لیے. انتہائی مناسب عمر 4 سال کے بعد ہی ہوتی ہے, اس لیے کہ 4 سال کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بچے کو بڑے ہونے کے بعد کبھی کبھی یاد ہوتی ہیں. چند ایک بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ باتیں یاد ہوتی ہیں, بقیہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں 4 سال کی باتیں یاد نہیں رہتی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
कि उस 4 साल की जो बातें हैं वो बराबर अगर रिपीट होती रही तभी वो चीज़ उस बच्चे को याद होगी, वरना वो तालीम जो 4 साल में दी जाती है अगर बाद में उसे रिपीट ना किया जाए, दोहराया ना जाए, तो बच्चे के जहन में वो चीज़ सख्त नहीं हो सकती है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह जब मकतब में दाखिल हुए तो उनकी उम्र 5 साल मुकम्मल हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया और जब कुरान करीम को हिफ्ज़ करके मुकम्मल किया तो उनकी उम्र 9 साल की हो गई। और जिन लोगों पे उन्होंने कुरान करीम को मकतब में पढ़ा उनमें शमसुद्दीन बिन अन्नाफ़ थे, जिन्होंने मिस्र के हिस्बा की विलायत संभाली, यानी इतने बड़े आलिम थे कि उन्हें मिस्र के हिस्बा की विलायत दी गई। और हिस्बा कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को अंजाम देना। इस अम्र की अंजाम दही के लिए, अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को अंजाम देने के लिए एक महकमा कायम किया जाता था जिसे हिस्बा का नाम दिया जाता था। उसमें जो अफराद होते थे उनकी जिम्मेदारी यही होती थी कि किसी शख्स को अगर किसी मुनकर काम पे देख रहे हैं तो उसे टोके, किसी शख्स को अगर नमाज के लिए ना जाते हुए देख रहे हैं तो उसे नमाज की जानिब रागिब करें, बाजारों में जाते बाजारों के अंदर जो माल होते थे उन मालों को चेक करते थे, बाजार के अंदर अगर गबन पाया जाता था तो उसे दूर करते थे, मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते और हर किस्म के मुनकर काम को दूर करते थे और भले कामों का वो हुक्म देते थे। दुकानों को नमाज के अवकात में बंद कराना, इस तरह के जितने भी काम होते थे वो हिस्बा के तहत दाखिल होते थे। यानी मुख्तसर अंदाज में आप ये समझ लीजिए कि अम्र बिन मारूफ और नहीं अन मुनकर के फरीजे को अंजाम देते थे। कुरान करीम के हिफ्ज की तकमील मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रज़्ज़ाक अल-असख्ती के हाथों हुई। और उस वक्त माशरे के अंदर ये बात राइज थी इल्मी तौर पर कि कोई भी शख्स जब कुरान करीम का कोई भी बच्चा जब कुरान करीम की काहिर से मुकम्मल कर लेता था तो उसके बाद उसे रमज़ान में तरावीह के लिए तरावीह की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया जाता था। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जब अपने हिफ्ज़ को मुकम्मल किया तो उनकी उम्र 9 साल थी, लेकिन 9 साल की उम्र ऐसी थी कि बावजूद उस जमाने में जो राइज था जो रवाज था कि कोई भी शख्स अगर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लेता है तो उसे इमामत के लिए मुकदम किया जाता था और वो रमज़ान में तरावीह की नमाज पढ़ाता था। लेकिन इसके बावजूद एक ही मसला ऐसा अटक गया था कि उस अटकने की वजह से अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह को रोक दिया गया। फिकही मसला क्या था, आज हमारे यहाँ भी फिकही मसला पाया जाता है कि कोई भी बच्चा अगर बुलूगत तक नहीं पहुंचाए तो वह इमामत के लायक नहीं है। जो बच्चा बालिग नहीं हुआ है वह इमामत के लायक नहीं, गैर बालिग की इमामत जायज नहीं है। यही वो मसला था जिसने अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह को इमामत से रोके रखा। हिफ्ज़ मुकम्मल हो चुका था लेकिन उसके बावजूद तरावी की नमाज पढ़ाने का मौका उन्हें नहीं मिला, इसलिए कि जो बच्चा बालिग नहीं हुआ उस बच्चे को इमामत कराने का हक हासिल नहीं है। ये एक फिकही मसला है। हालांकि हदीस की रूह से अगर हम देखते हैं तो हदीस के अंदर हमें यह पता चलता है कि वो बच्चा जो बुलूगत की हद तक नहीं पहुंचा है और वो कुरान करीम का हाफिज है या कुरान करीम के बाद हिस्सा का हाफिज है तो ऐसी सूरत में वो नमाज की इमामत करा सकता है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है वो ये कि कुरान का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला सबसे ज्यादा हाफिज ये इमामत का सबसे ज्यादा हकदार है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद हजरत अम्र बिन सलमा जो कि इनके बारे में आता है कि वो 7 साल के थे या 8 साल के थे वो लोगों की इमामत कराते थे, इसलिए कि कुरान करीम के सबसे ज़्यादा हाफिज अपनी कौम में थे और वो इमामत कराते थे। और इमामत के दरमियान हदीस के अंदर आता है कि वो इमामत कराते थे और बसा औकात कपड़े छोटे होते थे इसलिए उनकी शर्मगाह जाहिर हो जाती थी, यानी जब सजदे में जाते थे और सजदे से उठते थे तो शर्मगाह उनकी जाहिर हो जाती थी। यहाँ तक कि उनकी कौम की औरतों ने कहा कि अपने इमाम की शर्मगाह को हमसे छुपाओ, फिर उनके लिए कपड़ा मुहैया किया गया। तो ये हदीस के अंदर है। ये फिकही मसला एक अलग चीज़ है जो मजाहिब के अंदर पाया जाता है, मसालिक के अंदर पाया जाता है, एक अलग चीज़ है।
लेकिन इसी मजहब की बुनियाद पे, इसी मजहब की बुनियाद पे उन्हें इमामत से रोक दिया गया और इस फरीजे से वो रुके रहे, यहाँ तक कि वो अपने जब 12 साल की उम्र हुई तो उसके बाद वो इमामत के लायक हुए। इसलिए कि 12 साल की उम्र वो उम्र करार दी जाती थी जिसमें बुलूगत के पाए जाने का इहतमाल था। सन 783 में, 783 में दोबारा दौर में मशगूल हो गए और सन 785 में आलमा इब्न हज़र रहमहुल्ला ने अपनी उम्र के 12 साल मुकम्मल की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करना देखी, एक तरफ अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर वो इमामत से रोक दिए गए, दूसरी तरफ उनके जो वसी थे, जिनको इनके बारे में उनके वालिद ने वसीयत की थी कि उनकी निगरानी में इनकी तरबियत होगी, जो ज़कीउद्दीन अल-खुर्रुबी थे, वो इस साल उन्हें लेकर मक्का गए। जिस साल उनकी उम्र 12 साल मुकम्मल हुई उस साल उन्हें लेकर उम्र के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने रमज़ान का महीना पाया और मस्जिद हराम में, मस्जिद हराम में लोगों की इमामत कराई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को नवाजता है तो किस कदर नवाजता है। बसा औकात हमें बाज चीज़ों से जब रोक दिया जाता है तो हमारे दिल के अंदर तकलीफ होती है, हमें दिली तकलीफ पहुंचती है, ख़ासतौर से जब किसी दीनी काम से रोक दिया जाता है, किसी दीनी अमर से हमें रोक दिया जाता है तो हमारे दिल के अंदर तकलीफ पहुंचती है कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा था तो मुझे उस काम से रोक दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस काम के एवज में हमें उससे कहीं बेहतर चीज़ अदा करता है। बसा औकात हमें शऊर होता है और बसा औकात हमें शऊर भी नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस काम के बदले, जो जिससे जिससे मुझे रोक दिया गया था उसके बदले मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने कितना नवाजा है। तो अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने 12 साल की उम्र होने के बाद मस्जिद हराम में तरावीह की नमाज की इमामत का से नवाजा। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह की इल्मी जिंदगी मजीद अगर देखते हैं तो उस दौर के अंदर जब अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह अपने तालीमी दौर में थे तो उस वक्त आम तौर से जो तालीमी मुस्तवा था और जो तालीमी रवाज था वो ये कि जो तलबा होते थे उनको छोटी छोटी किताबें फिर से करने के लिए दिया जाता था, वो छोटी छोटी किताबें याद करते थे और याद करने के बाद अपने मशायख को सुनाते थे और इसी चीज़ को तलबा के हिफ्ज़ करने को तलबा के इल्मी तामीर और तरक्की में अहम चीज़ समझा जाता था। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह का भी ऐसा ही था, उन्होंने भी कुरान करीम के हिफ्ज़ करने के बाद दूसरी किताबों को हिफ्ज़ करना शुरू किया और मक्का से मिस्र लौटने के बाद सन 786 में उन्होंने उम्दतुल अहकाम जो अल्लामा तुसी रहमहुल्लाह की है और हावी अस्सगीर जो कस्वीनी की है, इसी तरीके से मुख्तसर इब्न हजर जो उसूल फ़िक्ह के अंदर है उसे और मुलहदुल एराब जो अल्लामा हरवी रहमहुल्लाह की है और इसी तरीके से मनहजुल उसूल जो बैसावी की है, अल्फियतुल अराकी और अल्फियत इब्न मालिक और तंबीह फी फुरूज़ शाफ़ईया लिश्शिराज़ी, ये तमाम किताबें उन्होंने याद करनी और पढ़नी शुरू की। जब उन्होंने इन किताबों का इल्म हासिल करना शुरू किया तो अपने जो हम असर थे, उनके हम क्लास थे, उनमें जो है वो काफ़ी तेज़ रहे, उन सारे अफराद पे सबकत हासिल कर लिया और इसके बाद उन्होंने सही बुखारी को 785 में मुस्नद हिजाज आफीफुद्दीन अब्दुल्ला नशावी पे सुना और इसके बाद फिर वो तलब इल्म के अंदर जुड़ गए और शुरू शुरू में अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अदब और तारीख का काफ़ी एहतमाम किया, यानी उनका उनकी पूरी तवज्जो अदब और तारीख पे रही और अभी भी वो मकतब में ही थे, मकतब से बाहर नहीं निकले थे, मकतब में ही थे तभी उन्होंने अदब और तारीख का एहतमाम किया और बहुत सारे रवात के हालात उनके जहनों में जहन के अंदर बहुत सारे रवात के हालात उनके जहन के अंदर इस्तकरार पाए और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन इसमें जो चीज़ जिक्र करने की, बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, इसमें जो जिक्र करने की बात है वो ये कि
अदब तारीख़ को सीखने के बाद, उसका अहतमाम करने के बाद, उसकी तरफ तवज्जो करने के बाद, फिर अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह दोबारा हदीस की जानिब मुतवज्जो हुए, और हदीस से कि में उन्होंने अल्लामा राकी रहमतुल्लाह से इल्म हासिल किया, और तकरीबन 10 साल तक जो है अल्लामा राकी रहमतुल्लाह के साथ रहे। यहाँ पे जो चीज़ जिक्र करना चाहूँगा वो ये कि अल्लामा जैनुद्दीन राकी जो उनके उस्ताद थे, उनको उन्होंने 10 साल तक उनकी सोहबत इख्तियार की और उनसे इल्म हासिल करते रहे। बसा औक़ात तलबा इल्म के साथ ऐसा होता है कि चंद उलूम सीख लेते हैं या चंद सालों तक वो तालीम हासिल कर लेते हैं, तो ये समझते हैं कि हम अपने सारे उलूम के अंदर जिन्होंने जिससे जिसको हमने सीखा है उन सारे उलूम में हमने महारत हासिल कर ली है और हम आलिम और फाजिल और फायक हो चुके हैं। जबकि अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने सिर्फ़ एक शख्सियत को तकरीबन 10 साल तक पकड़े रखा और एक शख्सियत से तकरीबन 10 साल तक इल्म हासिल करते रहे। ये एक शख्सियत यानी जैनुद्दीन अराकी रहमतुल्लाह, ऐसा नहीं कि इनके अलावा दूसरे उलमाए किराम से इन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन चूँकि अल्लामा जैनुद्दीन अराकी रहमतुल्लाह फन हदीस में सबसे माहिर थे, अपने ज़माने के अंदर सबसे आला शुमार किए जाते थे, इसलिए अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने उन्हें 10 साल तक पकड़े रखा, 10 साल तक उनसे इल्म हासिल करते रहे। आज अगर हम मदारिस के तालीमी सालों को गिनते हैं तो तालीमी साल 7 साल बनते हैं, और उस 7 साल के बाद जब वहाँ से तलबे इल्म निकलते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। 7 साल तक मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से इल्म सीखते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं, और वो भी उलूम इस्लामिया के मबादियात को पढ़ते हैं, और उसके बाद ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े आलिम हो चुके हैं। हकीकत में अगर इल्म सीखना है तो जैसा कि बाद उलमाए किराम ने कहा है, मिनल महदी मिनल महदी इलल महदी, अल्लामा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से कहा गया कि कब तक आप इल्म सीखते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि गोद से लेकर कब्र तक, यानी जब तक कब्र में मैं पहुंचने जाता हूं तब तक अपने आप को तलबा इल्म में शुमार करता हूं। और ये हकीकत है कि अगर कोई शख्स से अपने आप को जिस दिन आलिम समझना शुरू कर देता है उस दिन से उसका जवाल शुरू हो जाता है, और जब तक वो अपने आप को तलबा इल्म में शुमार करता है, जब तक अपने आप को तालिब समझता है, अपने इल्म को कम समझता है कि मेरे पास बहुत थोड़ा इल्म है, तो मज़ीद इल्म के लिए कोशिश करता है, किताबें पढ़ता है, उलमाए किराम से सवाल करता है और मज़ीद बहस व तहकीक करता है। लेकिन जिस वक्त वो ये समझता है कि मैं आलिम बन चुका हूँ, अब मुझे मज़ीद इल्म सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन से उसका जवाब शुरू हो जाता है, इसलिए कि उसका इल्म वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा उसका इल्म नहीं होता, उसके पास उससे ज़्यादा इल्म नहीं होता। तो हमेशा हर शख्स को और हर शख्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि इल्म जहाँ से भी मिले वहाँ से हासिल करें, सही इल्म जहाँ भी मिले वहाँ से हासिल करें, और ये ना समझे कि मैंने इल्म हासिल कर लिया है। हमारे एक शेख थे मदीना के अंदर शोबा दार हदीस में किताब तौहीद पढ़ाते थे, किताब तौहीद जो अल्लामा अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह की है, वो पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस किताब को अपने शेख से 30 साल तक पढ़ा, इस किताब को मैंने अपने शेख से 30 साल तक पढ़ा। आज हमारे हदीस आमतौर से ये समझते हैं कि हमारे पास अकीदे का इल्म हो गया, हमारा अकीदा सही है तो हमारे पास इल्म हासिल हो गया और हम अकीदे के अंदर पुख्ता हो गए, जबकि उन्होंने 30 साल तक एक ही किताब को एक शेख से पढ़ते रहे, ख़त्म होता फिर पढ़ते, पढ़ते फिर ख़त्म किताब होती तो फिर पढ़ते, इस तरीके से 30 साल तक एक ही किताब उन्होंने एक आलिम से पढ़ी। तो इल्म इस तरीके से सीखा जाता है, और इसकी वजह क्या होती है कि जब भी आप किसी आलिम से उसी किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो आपके पास मज़ीद नई मालूमात जो उनके पास होगी वो आपको देंगे। कोई भी किताब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसके पास इसी यही बेन ही यही चीज़ पुरानी आयात के ताल्लुक से, अगर आपने तफसीर पढ़ ली है या जिसके पास से अरबी ज़बान का इल्म है, जिसके पास से आयात को समझने का हुनर है,
वो शख्स जब भी उस आयत को पढ़ता है, एक ही आयत को अगर वो 10 बार पढ़ता है तो 10 नए नुकात उसके सामने आते हैं। तो इल्म ऐसी चीज है, खासतौर से किताब सुन्नत का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, कि जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे आप एक नई चीज इसके अंदर पाएंगे, और उससे मुतालिका किताबें जितनी भी आप पढ़ेंगे हर किताब के अंदर कोई ना कोई आपको नई बात। इसी तरीके से जो दुरूस आप सुनते हैं, अगरचे दुरूस से एक ही किताब के अंदर क्यों ना हो, लेकिन हर बार आपको नई चीज मिलेगी। तो अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने ज़ैनुद्दीन अलाकी रहमतुल्लाह को 10 साल तक पकड़े रखा और उनकी मुसाहबत इख्तियार की, और उनसे इल्म हदीस को सनद मतन हिलल और मुस्तरह ये सारे फ़नून से उन्होंने सीखे। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह का जो ख़ानदान था, ये ख़ानदान तिजारत में मशहूर था और इल्म में भी मसरूफ था। इल्मी ख़ानदान भी था और तिजारती ख़ानदान भी था। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के वालिद के चचा फ़ख्रुद्दीन उस्मान बिन मोहम्मद, जो इब्न अल बज़्ज़ाज़ के नाम से मशहूर थे और उन्हें इब्न हजर भी कहा जाता था, वो अस्कंदरिया के अंदर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की और वो इफ्ता के रईस थे। और चूंकि अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह का जो मजहब था, जो मसलक था, वो शाफी मसलक से ताल्लुक रखते थे, चूंकि उनके आबा व अजदाद भी इसी मसलक से मुतसिफ थे। लेकिन यहाँ पे एक बात जिक्र करना मुनासिब समझूंगा, वो ये कि नस्बत शाफी नस्बत, अक्सर आप देखेंगे शाफी नस्बत या हनफी नस्बत या हम्बली नस्बत या इसी तरीके से मालिकी नस्बत, अक्सर किताबों के मुसन्निफीन के नाम के साथ ये बात जुड़ी रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो शख्स मुज्तहिद नहीं है। ये एक ऐसी नस्बत होती है जो शरफ की नस्बत होती है, जिस पर आदमी फख्र महसूस करता है, या खानदान उसी नस्बत से मंसूब था, इसलिए आने वाला जो आलिम भी उसी जानिब अपनी नस्बत करता है। जैसे अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने अपनी नस्बत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह की तरफ की, इनको शाफ़ई और मुस्तक कहा जाता है, लेकिन अगर इनके इल्म को देखें तो ये मुज्तहिद है, इसलिए कि इन्होंने अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह की मसलक को अगरचे नस्बत के तौर पर अख्तियार किया है, लेकिन हकीकत में तहकीक के बाद जो चीज़ राजे नजर आती थी उसी चीज़ को लेते थे, चाहे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मसलक के मुताबिक हो या इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मसलक के मुखालिफ। हकीकत यही है कि पुराने उलमाए किराम अगरचे अपनी नस्बत अइम्मा की जानिब करते थे, अइम्मे अरबा की जानिब करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर ये चीज़, ख़ासतौर से उलमाए किराम के अंदर ये चीज़ पाई जाती थी कि अगर हक बात उनके सामने आ गई तो चाहे वो किसी भी मसलक से मुतालिक हो उसे वो ले लेते थे, और जो बात हक नहीं होती थी अगर चाहे वो अपने मसलक के अंदर क्यों ना हो उसे छोड़ देते थे। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह का ताल्लुक भी शाफी, उनके ख़ानदान का ताल्लुक भी शाफी मसलक से था, और उनके जो वालिद के चचा थे वो भी शाफी मसलक के मुताबिक जो है फतवा दिया करते थे। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के जो दादा थे वो कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन अली, ये ताजिर आदमी थे, और ताजिर होने के बावजूद बहुत सारे उलमाए कराम से इन्होंने सनद इजाजत हासिल की। सनद इजाजत कहते हैं किसी आलिम की जो रिवायत होती है उसे उसकी इजाज़त तलब करना। पिछले ज़माने में ये होता था और मुहद्दिसीन के अंदर ये चीज़ पाई जाती थी, और आज भी ये चीज़ उलमाए कराम के दरमियान पाई जाती है, लेकिन अवाम के दरमियान ये चीज़ मारूफ नहीं है। जिस तरीके से हमें किसी भी तालीमी मरहले को मुकम्मल करने के बाद सर्टिफिकेट मिलती है, इसी तरीके से बाज़ उलमाए कराम के पास से सनद मौजूद है कि किसने किससे रिवायत की, और यह सनद मुत्तसिल होती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से हम बुखारी और मुस्लिम और दूसरी कुतुब हदीस के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सनद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देखते हैं, इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के जो तलामिज़ा हैं, जो उनके शागिर्द हैं, फिर उनके जो शागिर्द हैं, फिर उनके जो शागिर्द हैं, यहाँ तक कि इस ज़माने में जो शागिर्द पाए जाते हैं, जो अफराद पाए जाते हैं, जो उलमाए किराम हैं, उनके पास सनद मौजूद है, और इसी सनद की इजाज़त देते हैं आपको कि आप मुझसे इन अहादीस की किताबों को रिवायत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपने वालिद रहमतुल्लाह से सही बुखारी पढ़ी, और इमाम मुत्ता रहमतुल्लाह इमाम मुत्ता मैंने पढ़ी, ये दोनों किताबें मेरे वालिद रहमतुल्लाह अपने शेख से रिवायत करते हैं जो शेख अल हदीस अब्दुल्ला रहमान रहमतुल्लाह हैं, और वो अपने शेख से अपने शेख से अपने शेख से यहाँ तक कि वो सनद
متصل ہو جاتی ہے امام بخاری سے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ سند اجازہ ہوتی ہے. تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے بہت سارے علماء کرام سے تاجر ہونے کے باوجود بہت سارے علماء کرام سے انہوں نے سند اجازت حاصل کی. اور ان کی کئی اولاد تھے جن میں کمال الدین، مجد الدین، تقی الدین، اور ان میں سب سے چھوٹے ولی الدین تھے، پھر نور الدین جو ابن حجر رحمہ اللہ کے والد ہیں. اور اگر نور الدین جو ان کے والد ہیں ان کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ تجارت کے ساتھ ساتھ درس کا بھی اہتمام کرتے تھے اور علم بھی سیکھتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق انہوں نے فقہ حاصل کی اور حاوی الصغیر کو انہوں نے یاد کیا، اور محمد بن عقیل رحمہ اللہ سے انہوں نے فقہ حاصل کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اہتمام جو ہے ادب کا بھی تھا، اشعار بھی یہ کہتے تھے، اور ادب کے اندر ان کا بڑا مقام تھا. ابن حجر رحمہ اللہ اپنے والد کے تعلق سے کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا اہتمام نہیں کیا، ان کے اشعار بہت زیادہ تھے اور لوگوں میں عام تھے، عقل و دینداری اور امانتداری اور مکارم اخلاق سے متصف تھے. انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اور علامہ ابن قطان، ابن عقیل اور ولی الدین عراقی رحمہ اللہ نے بھی ان کے والد کی مدح اور تعریف کی ہے. ان کے والد کی جو پیدائش تھی وہ تقریباً 877 رجب کے اندر ہوئی تھی. اور ان کی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی والدہ ہیں، ان کا نام تجار بن فخر ابی بکر شمس محمد بن ابراہیم الزفتاوی تھے، جو صلاح الدین احمد الزفتاوی الکارمی کی بہن تھی. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ان کی علمی تحصیل اور سند اجازہ کے حصول اور شادی اور اولاد کا تذکرہ بھی تفصیل کیا ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے شیوخ اور اجازات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ شیوخ اور اجازات مختلف مقامات سے متعلق ہیں جنہیں مکہ، دمشق، بالبک اور مصر شامل ہیں. یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی والدہ نے علم حدیث حاصل کی اور مختلف شیوخ سے انہوں نے حدیث اور فقہ و دوسری چیزوں کا علم حاصل کیا، اور یہ علم انہوں نے مکہ کے اندر، دمشق کے اندر، بالبک کے اندر اور مصر کے اندر حاصل کیا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور انہوں نے انس بن بنت قاضی کریم الدین عبد الکریم بن عبدالعزیز سے شادی کی، جن سے ان کی کئی اولاد رہی، اور یہ اولادوں میں ان کی کوئی ساری کی ساری بیٹیاں رہیں، صرف ایک بیٹا رہا اور وہ بیٹا بھی بچپن میں انتقال کر گیا. ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی علم میں معروف تھی، عالمہ تھی، اور انہوں نے بہت سارے علماء کرام سے سند اجازت حاصل کی. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ انہیں لے کر خود بہت ساری محفلوں میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے مشائخ سے اجازت حاصل کرتے تھے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی چونکہ کوئی بیٹی ان سے کوئی اولاد جو بیٹا تھا بیٹا چونکہ بچپن میں انتقال کر چکا تھا، اور اس لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو خواہش ہوتی تھی وہ یہ کہ کوئی بیٹا پیدا ہو. جتنے ہی بیٹے پیدا ہوتے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتے تھے، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کی وجہ سے لونڈی رکھی. اور علامہ ابن حجر کی جو اہلیہ تھی جو انس، جن کا نام انس تھا، ان کی ایک لونڈی تھی جن کا نام خاص تھا. تو ایک بار گھر کے اندر وہ تھی اور کسی معاملے پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ان کے اوپر کافی ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ اس گھر کے اندر یہ عورت، یہ لونڈی نہیں رہے گی. تو جو ان کی اہلیہ تھی انہوں نے اس سے لونڈی کو بیچ دیا. جب بیچ دیا تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے شمس الدین ابن ضیاء الحنبلی کو بھیجا، ان کے معرفت اس لونڈی کو خریدوایا. پہلے وکالہ کے طریقے سے، وکالہ کہتے ہیں کسی کو آپ وکیل بنا دیں کہ میری جانب سے فلاں چیز کو آپ خرید لینا. تو انہوں نے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے شمس الدین بن ضیاء حنبلی کو بھیجا. اور یہاں پہ جو چیز ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ علماء کرام کے درمیان مسلک کا اختلاف نہیں رہتا تھا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کس کو بھیجتے ہیں؟ شمس الدین ابن ضیاء حنبلی، جو کہ حنبلی مسلک سے متعلق ہی، ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ اس لونڈی کو جن کے تعلق سے انہوں نے قسم کھایا تھا کہ اس گھر کے اندر نہیں رہے گی، اور ان کی اہلیہ نے اسے بیچنے کے لیے
باہر بھیج دیا تھا تاکہ اسے بیچ دیا جائے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک شخص کو بھیجتے ہیں اور جو حنبلی مسلک سے متعلق ہے, جو عالم ہے, شمس الدین بن دیا کو بھی جا کر اس لونڈی کو میرے لیے خریدتے. اس لونڈی کو انہوں نے خریدا, پھر اسی لونڈی سے انہوں نے ایک دوسرے مقام پہ لے جا کر شادی کی. خریدنے کے بعد اپنی ہی لونڈی سے آزاد کرنے کے بعد اسے ایک دوسرے مقام پہ جو ان کے گھر سے کافی دور تھا وہاں پہ لے جا کر اسے شادی کی. اور اس شادی کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا والد بچہ تھا, جس کا لقب انہوں نے بدر الدین رکھا تھا. اور اس کی پیدائش 18 صفر سن 815 میں ہوئی. پیدائش ہوئی اس گھر میں جہاں پہ انہوں نے رکھا تھا, لیکن عقیقہ کہاں رکھا گیا؟ عقیقہ اپنی اہلیہ کے گھر میں رکھا. اہلیہ کو پتہ نہیں, دعوت رکھی گئی, لوگ جمع ہوئے, عقیقہ ہوا, لیکن اہلیہ کو پتہ نہیں ہے کہ عقیقہ ہو رہا ہے. اہلیہ کو پتہ نہیں ہے کہ عقیقہ ہو رہا ہے اور اپنے گھر میں ہی انہوں نے عقیقہ کیا, لیکن ان کے اہلیہ کو پتہ نہیں چلا. اور معلوم کب ہوا؟ جب بچہ 2 سال کی عمر پہنچ گیا, اس وقت ان کی اہلیہ کو پتہ چلا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی ہی لونڈی سے ایک شادی کی ہے اور دوسرے مقام پہ اسے رکھا ہے. جب انہیں علم ہوا تو وہ اس مقام پہ گئی, انہیں لے کے اپنے گھر میں لائیں, اپنے گھر میں لائیں, اور لانے کے بعد ایک مقام پہ اپنے گھر کے ایک حصے میں انہوں نے اسے چھپا دیا. اس کے بعد جب علامہ ابن حجر رحمہ اللہ گھر پہ آئے تو ان کی اہلیہ نے ان سے سوال و جواب شروع کیا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نہ اعتراف کیا اور نہ ہی انکار کیا. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں نے شادی نہیں کی, اور نہ ہی انہوں نے شادی کا اقرار کیا. انہوں نے گمسم یعنی اس طرح کی بات کہی کہ آدمی سمجھ نہ سکے کہ حقیقت کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ان کی اہلیہ نے اس لونڈی کو جن سے انہوں نے شادی کی باہر نکالا. اور اس کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو خاموش رہ گئے, اور انہوں نے عذر پیش کی کہ مجھے بچے کی خواہش تھی, اس لیے میں نے اس سے لڑکی سے شادی کی. اس کے بعد آپ غیرت دیکھیے عورتوں کی. اس کے بعد ان کی جو اہلیہ تھی, پہلی اہلیہ, انہوں نے بددعا کی, بددعا دی کہ کوئی عالم لڑکا اس وطن سے پیدا نہ ہو, کوئی عالم لڑکا اس وطن سے پیدا نہ ہو. یہ بات علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کو بہت تکلیف پہنچی اس بات سے, اور انہیں اس بددعا سے خوف ہوا, اس لیے کہ وہ مستجابت دعوت تھی, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اور انہوں نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے کہا کہ آپ نے میرے دل کو جلا دیا, یعنی ایسی بات کہی کہ میرا دل جل گیا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی وفات کے بعد علام الدین بلقاوی نے ان کی بیوی سے شادی کی پیشکش کی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر شادی نہیں ہوئی. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تیسری شادی زین الدین ابو بکر علم شاتی کی بیوہ سے کی, اور چوتھی شادی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لیلہ بنت محمود بن طوان حلبیہ سے کی. اور جہاں تک کہ ان کے اولاد کا تعلق ہے تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی 5 اولاد تھی اور 5 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا. بیٹیوں کے نام زین خاتون, فرحہ, عالیہ, رابعہ, فاطمہ تھا, اور بیٹے کا نام بدر الدین محمد تھا. زین خاتون جو ان کی پہلی اولاد تھی, یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ان کا خاص خیال کرتے تھے. پیدائش والے سال اور اس کے بعد ہی انہیں لے کر مختلف علماء کرام سے انہوں نے سند اجازت حاصل کی, اور علامہ اپنے شیوخ علامہ عراقی, علامہ ہاشمی کے سامنے حاضر کیا, ان سے سما لیا, اور علامہ ابن خطیب رحمہ اللہ کے گھر میں انہیں سماع حدیث کے لیے پیش کیا. دوسری جو اولاد تھی فرحہ, یہ سن 804 میں پیدا ہوئی, اور ان کے لیے بھی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے سند اجازت طلب کی. اور دوسری چیزیں جو آپ آگے بھی محسوس کریں گے وہ یہ کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ اپنے اولاد کے لیے سند اجازت طلب کریں. اور اس زمانے میں اس چیز کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ سند کی جو احادیث کی جو سندیں ہیں اس کے لیے مختلف علماء کرام سے
इजाज़त तलब की जाती थी, इजाज़ा लिया जाता था और उनसे सनद हासिल की जाती थी। तीसरी जो बेटी थी वो आलिया थी, वो सन 807 में पैदा हुई और उनके लिए भी अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से सनद इजाज़त हासिल की। चौथी बेटी थी राबिया, पांचवी बेटी थी राबिया, जिनकी पैदाइश 811 में हुई और इन्हें भी लेकर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने समा किया और उनसे इजाज़त हासिल की। इनके जो लड़के थे बदरुद्दीन अबुल मआली मोहम्मद, इनका अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ख़ास ख्याल करते थे, उनकी तालीम और उनकी तहजीब का ख़ास अहतमाम करते थे। कुरान इन्हें ये कराया, इन्होंने लोगों की इमामत कराई और इनके लिए अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने वो किताब लिखी जिसकी तदरीस आप लोगों के सामने, जिसका दर्स आप लोगों के सामने डाला जाए। बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, ये अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने ख़ास अपने इस बेटे के लिए लिखी थी, उनका अखलौता बेटा था, इसके लिए अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम लिखी। लेकिन उन्होंने सिर्फ चंद हिस्से को ही याद किया और अपने वालिद की बहुत सारी महफिलों में ये शरीक रहे और बहुत सारी अहादीस इन्होंने अपने वालिद से सुनी और क़ज़ा और अवकाफ के कामों में अपने वालिद के मुआविन के तौर पे काम किया, जिनकी वजह से उनके वालिद यानी अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह की मोहब्बत उनके उनसे बहुत ज़्यादा हो गई। अपने वालिद के हयात में ही मुख्तलिफ मनासिब पे ये फायज हुए, जिनमें हुसैनिया हसनिया के अंदर हदीस की तदरीस थी और जामे तोलून में इमामत का फरीज़ा इन्होंने अंजाम दी। इनके ताल्लुक से बाद उलमाए किराम ने जो है कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि इनके अखलाक दुरुस्त नहीं थे, इनके अखलाक बेहतर नहीं थे, लेकिन उन पर अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ने रद्द किया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बातें उनकी जानिब मंसूब की गई हैं ये बातें दुरुस्त नहीं, इसलिए कि इनकी जानिब पर बात चीज़ें मंसूब की गई जिनकी वजह से इनके बेटे को कैद किया गया और फिर वो सारी बातें गलत साबित हुई और इस वजह से अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इस पर एक किताब भी लिखी जिनका नाम उन्होंने लिखा रद अल मुजरिम अन सबी अल मुस्लिम। ये किताब अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने अपने बेटे के कैद से कैद से निकलने के बाद इस किताब की तारीफ उन्होंने की और इस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि मुसलमान को गाली नहीं देना चाहिए, उसे बुरा बुरा नहीं कहना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें जिक्र की। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह की अगर इल्मी ज़िंदगी देखते हैं और उनकी ज़िंदगी को देखते हैं यानी जो अमली ज़िंदगी है उसे देखते हैं तो अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह मुख्तलिफ मसाजिद में उन्होंने खिताबत के फरीज़ा अंजाम दिया, जिनमें से सबसे मशहूर जामे अजहर है, जामे अम्र है और इसके अलावा भी इनके यहाँ तलबा कराम का तलबा इल्म का ताता बजा रहता था और मुख्तलिफ मकामात से बहुत सारे तलाब इल्म इनके पास आते थे और इनकी शख्सियत के अंदर बुर्दबारी तवादो सब्र पाया जाता था। अमली तौर पर बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे और बहुत ज़्यादा क़याम करते थे। इनकी तारीफ के लिए ही काफ़ी है कि ये हदीस के अंदर मर्जा के तौर पर जाने जाते हैं और इन्हें अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा गया, यानी हदीस के अंदर अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा गया। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह को अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा किया गया और बुखारी रहमतुल्लाह को भी अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा गया। तो ये दो शख्सियतें हैं यानी बुखारी और उनकी शरह करने वाले सबसे मशहूर शख्सियत, दोनों को अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा गया। इनके शुयूख की अगर हम तादाद देखते हैं तो शुयूख की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनके जिनसे इन्होंने इल्म हासिल किया। इनकी तादाद बाज़ उलमाए कराम 450 तक पहुँचाते हैं, यानी 450 से आलिमों से इन्होंने इल्म हासिल किया और बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इनके शुयूख की तादाद 600 तक है, यानी 600 उलमाए कराम थे जिनसे इन्होंने इल्म हासिल किया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स 600 उलमाए कराम से इल्म हासिल करता है तो उसके पास कितना इल्म होगा। इनमें जो मशहूर उलमाए कराम हैं क़िराअत के अंदर इब्राहिम बिन अहमद बिन अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल मोमिन अत्तन्नुखी हैं और दूसरे जो क़िराअत के शेख हैं या उनके उस्ताद हैं वो मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद अद्दमिश्की अल जज़री हैं
जो शेख अल-क़िरात के नाम से मशहूर हैं। हदीस के अंदर जो इनके शुयूख हैं उनमें अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अन्नीसापुरी जो नशावरी के नाम से मशहूर हैं, दूसरे जो शेख हैं वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन दहीरा अल-मखसूमी अल-मक्की जमालुद्दीन हैं। इनसे इन्होंने फ़िक़्ह हदीस के मबाहिस पढ़े और इनकी मुसाबत इन्होंने मक्की के अंदर इख्तियार की जब इनकी अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह की उम्र 12 साल की थी। और तीसरे जो उस्ताद हैं वो इंतहाई अहम और बड़े उस्ताद हैं, ये बड़े अहम असातिज़ा का जिक्र किया जा रहा है जिनमें अब्दुर्रहमान बिन हुसैन अब्दुर्रहमान अल-इराक़ी हैं जो ज़ैनुद्दीन अल-इराक़ी के नाम से मशहूर हैं, जिनकी सोबत इन्होंने 10 साल तक इख्तियार की थी। चौथे जो उस्ताद हैं वो अली बिन अहमद अली बिन अबी बकर बिन सुलेमान अबुल हसन अल-हैसमी हैं। ये भी अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह के शागिर्द थे और इनका इस्तेहज़ार बहुत कभी था, किसी चीज़ को बहुत जल्दी वो अपने जहन में ले आते थे, अगर उनसे पूछा जाता तो फौरी तौर से उसे इसका जवाब देते थे। और इनका इस्तेहज़ार इस कदर कभी था कि बाज़ उलमाए किराम को इस बाज़ अफराद ये समझते थे कि ये अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह से बड़े आलिम, अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह के ये भी शागिर्द थे, लेकिन इसका इनका इस्तेहज़ार इस कदर कभी था कि लोग ये समझते थे कि अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह से हिफ्ज़ के अंदर ज़्यादा कवी है, लेकिन इल्म हिफ्ज़ के ज़रिए से नहीं होता बल्कि इल्म समझ के ज़रिए से होता है और अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह ज़्यादा बाइल में थे। फ़िक़्ह के अंदर हम देखते हैं तो फ़िक़्ह के अंदर इब्राहिम बिन मूसा बिन अय्यूब अल-अंबासी ये इनके फ़िक़्ह के शुयूख में से हैं। दूसरे शेख हैं फ़िक़्ह के उमर बिन अली बिन अहमद बिन मुलक्कन और तीसरे हैं अमर बिन रसदान बिन नसीर अल-बल्क़ीनी और चौथे फ़िक़्ह के जो शुयूख में से हैं असातिज़ा में से हैं ये मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्लाह अल-क़त्तान अल-फ़क़ीह हैं और पाँचवें हैं अली बिन अहमद बिन अबी अल-आदमी अश्शेख नूरुद्दीन। अरबी ज़बान के जो शुयूख हैं इन्होंने अदब भी सीखी, अरबी ज़बान को भी इनको उबूर हासिल था और इस सिलसिले में उनके जो शुयूख थे जो असातिज़ा थे उनमें मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुर्रज़्ज़ाक अल-ग़िमारी अल-मिस्री हैं। दूसरे उस्ताद हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद दमश्की बदरुद्दीन अल-बुश्तकी, ये मशहूर अदीब हैं और फासिल शख्सियत थी। और तीसरे जो शेख हैं मोहम्मद बिन याकूब बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन उमर अश-शिराज़ी। अगर इनकी मुसन्नफ़ात पे नज़र डालते हैं इनकी तसनीफ़ात पे तो इनकी तसनीफ़ात की तादाद 132 तसनीफ से ज़्यादा है, 132 किताबों से ज़्यादा इन्होंने तसनीफ़ की। इन सारी चीज़ों को मैं बयान नहीं करूँगा, चंद एक किताबों को जिक्र करता हूँ जिसमें अलायात अन्नयरात तिलखवारिकी अलमोजात इत्तिबा उल अथर फ़ी रहलती इब्न हजर इत्तिहाफ़ उल महरा बेअतराफ़ उल अशरा अल-इत्क़ान फ़ी फ़ज़ाइल उल क़ुरआन अल-उजबा अल मुशरिक़ा अल असला अल मुफ़रिक़ा अल अहकाम लिबयान मा फ़िल क़ुरआन मिन इबहाम 40 हदीसन मुतबायनत अल असानीद बिशर्त समा बिअसबाब अल नुज़ूल अल इस्तिफ़सार अल अत्ताइनी अल मिअसार अतराफ़ उल मुख़्तारा अल इसाबा अल तमीज़ सहाबा अल इस्तिदराक अल काफ़ी अल शाफ़ أطراف الصحيحين أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي الإنارة في الزيارة إنباء الغمر بإنباء الأمر الأنوار بخصائص المختار البداية والنهاية بذل المعون بفضل التعاون البسط المبثوث في خبر البرغوث تخريج أحاديث الأربعين للنووي تخريج أحاديث الأذكار للنووي ترجمة النووي التشويق إلى وصل المهم من التعليق تصحيح الروضة تعجيل المنفى برواية رجال الأئمة الأربعة تهذيب التهذيب أو التقريب تقريب التهذيب और तकरीब तालीम, ये सारी बहुत सारी किताबें अक्सर ऐसी हैं जो कुतबे जो उलूम हदीस के अंदर लिखी गई हैं। इसमें सारी किताबों को तकरीबन मैंने नाम जिक्र किया है लेकिन इन सारी किताबों को जिक्र करने में बहुत वक्त निकल जाएगा, इसलिए मुख्तसरन जो है ये चंद किताबें जिक्र की गई हैं। अक्सर किताबें अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह की फ़न हदीस के अंदर हैं जो शरह के ताल्लुक से कभी सनत पे कभी मुस्तरद से और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो मुख्तलिफ़ उलूम जो हदीस से मुतालिक हैं उनके ताल्लुक से अक्सर किताबें अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने तारीफ़ की।
अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह, जैसा कि हर शख्स के साथ होना है, हर फर्द के साथ होना है कि एक ये ज़िंदगी गुजारने के बाद इसे उन्हें इस दुनिया से रुख्सत होना है, इसी तरीके से अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह भी दूसरे अफराद की तरह इस दुनिया से रुख्सत हो गए और उनकी वफ़ात एक बीमारी के तहत हुई। सन 852 ज़िलहिज्जा में उन्हें मर्ज लाहिक हुआ और मर्ज की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होने के नाते वो धीरे धीरे कमज़ोर होते रहे, यहाँ तक कि एक महीना मर्ज तवील एक महीने तक तवील रहा और उसके बाद सन 852 के ज़िलहिज्जा के वस्त में वो इंतकाल कर गए। और उनके इंतकाल के ताल्लुक से भी उलमाए कराम के दरमियान इख्तलाफ है कि किस दिन उनका इंतकाल हुआ और किस दिन अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के इंतकाल के ताल्लुक से भी उलमाए कराम के दरमियान इख्तलाफ है कि किस तारीख को उनका इंतकाल हुआ, लेकिन इस बारे में उलमाए कराम का तकरीबन इतफाक़ है, मौलिखीन का तकरीबन इतफाक़ है वो कि उनकी वफात ज़िलहिज्जा सन 852 में। ये मुख्तसर सवान हयात थी अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के ताल्लुक से और इनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि इनके ताल्लुक से, इनके तर्जमे के ताल्लुक से या इनके सवान उम्री के ताल्लुक से कई उलमाए कराम ने किताबें लिखी हैं, जिनमें सबसे मशहूर किताब अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह की है जो उन्होंने अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के तर्जमे के ताल्लुक से लिखी है और यही किताब सबसे मुतमद है, इसलिए कि अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह के शागिर्द थे और एक लंबी मुद्दत तक उन्होंने अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह का साथ दिया, उनके साथ रहे, उनसे इल्म हासिल की। तो ये मुख्तलिफ तारुफ था और इसमें तारुफ भी ज़रूरी था, इसलिए कि किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसके मुसन्निफ के हालात को जानना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस किताब के दर्स से हमें नफ़ा पहुँचाए और इस किताब के अंदर जो बातें हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।